आज हम डिस्ट्रिक्ट लुक बनाएंगे यूजिंग सी लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h. देन हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड conio.h. देन void main. उसके बाद हम इसमें ना एक डिले फंक्शन भी यूज़ करेंगे, और जो डिले फंक्शन होता है वो एक हेडर फाइल है हमारे पास doors.h, उसके अंदर इंक्लूड होता है. नाउ हम वेरिएबल्स बनाएंगे यूजिंग int ijk. क्लियर स्केयर फंक्शन यूज़ करेंगे. जो क्लियर स्केयर फंक्शन होता है वो हमारे पास conio.h के अंदर होता है. अब हम लूप चलाएंगे. लूप हम तीन चलाएंगे, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आवर के लिए चलाएंगे, एक मिनट के लिए चलाएंगे और एक सेकंड के लिए चलाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलाते हैं आवर के लिए. आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो से आई लेस देन इक्वल टू 23, क्योंकि हमारे पास जो भी डिजिटल क्लॉक वगैरह होती है उसमें कभी भी 24 नहीं आता है, हमेशा ही 23, 59 मिनट 59 सेकेंड पर ही वो ख़त्म हो जाती है. देन हम चलाते हैं मिनट के लिए लूप 9 तक जी प्लस प्लस. नाउ सेकेंड के लिए लूप चलाते हैं 59 तक एंड के प्लस प्लस. अब हम डालते हैं प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ फंक्शन से हम क्या करते हैं, इसमें हम आई जे की है उन सब की वैल्यूज हम प्रिंट करवाते हैं, और जो प्रिंटर फंक्शन होता है वो stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूड होता है. स्लैश n जो होता है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है. परसेंट d स्पेसिफायर हमने पढ़ा है, int के लिए यूज होता है. i कोमा j कोमा k. देन हम यूज करते हैं डिले फंक्शन. मैंने आपको पहले बताया था जो डिले फंक्शन होता है वो doors.h हेडर फाइल के अंदर होता है, और जो डिले फंक्शन है हम उसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड होता है ताकि एक सेकंड और जो नेक्स्ट सेकंड है उसके बीच में टाइम इलैप्स के लिए हम यूज़ करते हैं. और जो डिले फंक्शन होता है उसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है. आई जे के की वैल्यूज़ यहाँ से भी हम प्रिंट करवा देंगे. देन अगेन क्लियर स्केयर फंक्शन यूज़ करेंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. प्रिंट एफ फंक्शन अगेन क्लियर स्केयर फंक्शन. लास्ट get ch फंक्शन जो है वो भी हमारे पास ये conio.h हेडर फाइल है उसके अंदर इंक्लूड होता है. नाउ ये फिनिश हो गया, अब हम रन करते हैं इसको. पहले हम एरर्स चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको, जीरो एरर्स. नाउ हम रन करते हैं ऑल्ट प्लस आर से. अभी हमारी डिजिटल क्लॉक है वो चल रही है. जैसे ही 59 सेकेंड हो जाएंगे वैसे ही हमारे पास एक मिनट हो जाएगी. बहुत इजी मेथड है डिजिटल क्लॉक बनाने का यूजिंग सी लैंग्वेज. आप देखो जैसे 59 सेकेंड हुई वैसे ही एक मिनट हो गई. थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.